ओल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सिमरन सहानी, नाइट ऑल आर्मी की लीडर। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और स्वागत है आप सभी का नाइट ऑल टॉक सीरीज के सेशन वन में। आज हम सभी नाइट ऑल्स की ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, चाहे आप नाइन्थ के नाइट ऑल हो, इलेवेंथ के हो, टेंथ के हो या फिर ट्वेल्थ के हो। और स्पेशली अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में कोट करके बोलूँ तो ये दसवीं बारहवीं के नाइट ऑल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और सबसे ज़रूरी बातें आपको आज बताने वाली हूँ। ऑल माई नाइट ऑल्स, अगर आपको अपना सिलेबस विद इन 15 to 20 days लेवल अप करना है और महीने भर में कंप्लीट करना है, तो आज जो आपकी नाइट आउट लीडर आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली है, अगर उसे फॉलो कर लिया तो एक महीने में सारे नाइट आउट्स का सिलेबस होगा जुपिटर पे, यानी कि खल्लास सिलेबस कंप्लीट होगा और अगले महीने से हम अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो सभी के सभी नाइट आउट्स सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगा दे इन द कॉमेंट सेक्शन दैट येस यू आर रेडी फॉर दिस न्यू सीरीज ऑफ नाइट ऑल टॉक। जैसे हम सिमरन टॉक रेगुलरली कंडक्ट करेंगे, वहाँ मैं सभी बच्चों से बात करती हूँ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे हम सबके डिस्कशंस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सब सुलझा रहे होते हैं। यहाँ मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स पे है, दोज हु स्टडी कम्फर्टेबली एट नाइट, जो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के नहीं पढ़ पाते हैं एंड देन दे फील दैट हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। दिन में तो स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर घर आते हैं, तो क्या वो समय निकाले जब हम पढ़ें? तो गाइज मैं आपको बता रही हूँ क्या वो समय है जिसमें आपको पढ़ना है और कैसे नाइट आउल्स ने तबाही पढ़ाई करके 99% भी लाने हैं। तो अगर आप नाइट आउल हो तो जल्दी से बताओ। नाइट आउल होना मतलब दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल इन स्टडिंग एट नाइट। तुम 9 बजे, अगर मैं 10 बजे, 11 बजे पढ़ने बिठा दूँ तो 2 बज जाए, 3 बज जाए, तुम्हें तब नींद नहीं आती है, ना ही तुम्हें कोई दिक्कत होती, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन प्रो लेवल कहता है यू स्टडी एट दैट टाइम। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, अगर आप ऐसे बच्चे हो तो देन यू आर अ नाइट आउल, ठीक है। तो अगर आप नाइट आउल हो इस समय पे तो बी अ नाइट आउल एंड स्टडी इन नाइट स्टडी टाइम में और तुम्हारे नंबर बढ़िया आएंगे, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो इस समय पे आपको क्या चीजें फॉलो करनी है वो बाद में बताऊंगी, सबसे पहले वेट कर रही हूं मैं एक सेकंड का और देखती हूं कि कौन कौन है मेरे नाइट आउल्स, ठीक है। तो आप कौन से नाइट आउल, कौन सी क्लास के हो ये भी बता देना, दैट आई एम अ नाइट आउल ऑफ क्लास 10th, नाइट आउल ऑफ क्लास 9, 10th, 11th, 12th, जो भी हो आप अपना बता देना मेरे को। फिर अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। देखो गाइस, हर स्टूडेंट की इस समय पे एक ही एम है, 99% लाना, 100% लाना, टॉपर बनना। बट उस एम से पहले एक एम क्या है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। अब वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी है और सेल्फ स्टडी करने के लिए आप स्कूल से छुट्टी मार के घर बैठ जाओ, ट्यूशन भी ना जाओ तो बहुत समय मिल जाता है पढ़ने का, पूरा दिन पढ़ते रहो। बट रोज़ तो छुट्टी नहीं मार सकते, तो आपको रोज़ स्कूल जाते हो क्योंकि स्कूल में जाके आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ट्यूशन में जाके चैप्टर समझ के आ रहे हो, तभी तो घर पर सेल्फ स्टडी करने का फायदा है। जब तक स्कूल और ट्यूशन नहीं जाओगे तब तक सेल्फ स्टडी क्या करोगे, समझ के नहीं आए होगे। तो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन बोथ। तो वही बैलेंस इफ़ यू आर अ नाइट आउल आज मैं आपको बताती हूँ। मैंने खुद ये चीज़ फॉलो करी है। मैं स्कूल से आती थी 3 बजे तक घर पे, ठीक है, और देन मेरा 4 से 6 का मेरे भी ट्यूशन्स होते थे, उसके बावजूद मैं कैसे अपनी सारी पढ़ाई को हैंडल करती थी। टुडे आई शेयर इट विद यू और ये पीछे मैंने बोर्ड पे बना दिया है। आज से, अभी से, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होते, हर नाइट आउल इसी रूटीन को फॉलो करने वाला है। वीक डेज का भी लिख दिया और वीकेंड यानी कि सैटरडे का भी लिख दिया, बस संडे का नहीं बताया, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। कि संडे को जो है, संडे को भी आप वीकडे वाला ही फॉलो कर सकते हो क्योंकि उस दिन मंडे को स्कूल होता है। सैटरडे को आप सभी को पता होगा हमारी सैटरडे नाइट होती है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं उसमें। अब मैं आपको बताने हूं कि आज से, आज की डेट मेंशन कर लो, टुडे इज 29 नवंबर, अभी दिसंबर आने में भी एक दिन बचा है, ठीक है। आपको जो है, आपके पास पूरा टाइम है कि आज अपने दिमाग में सेट कर लो, आज कल इस रूटीन में ढल जाओ, जिससे 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर इस रूटीन में तुमने दिसंबर के 1 महीने भी पढ़ाई कर ली तो जनवरी में तुम बहुत कॉन्फिडेंट होके कह रहे होगे माय सिलेबस इज कंप्लीटेड एंड आई हैव टू डू रिवीजन जस्ट दैट। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ब्लाइंडली फॉलो दिस ट्रिक, दिस इज ट्राइड टेस्टेड। मैंने बहुत सारे आपके सीनियर स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करा था, स्टडी टाइम भी मिल जाएगा और आपका स्टडी सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। करना क्या है आपको, कल से इसे फॉलो करना शुरू कर दो या फिर मैं तो 7-8 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगी, आज रात से भी अगर आप इसे फॉलो करना शुरू कर दोगे यू विल बी प्रो, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर द प्रो स्टडीज। आज से लेके 30 दिसंबर तक लगातार आप लोगों का पहला टास्क है कि रात को 9 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है।
डिनर उससे पहले कर लेना, खाना उससे पहले खा लेना, ठीक है? 9 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है, एंड फर्स्ट स्टडी सेशन आपका चलेगा 9 बजे से 12 बजे तक का, या 9 बजे से 11 बजे तक का, जो भी आपको चलाना है, ठीक है? मैं अभी आपको स्टडी सेशन ब्रेक करके नहीं बताती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। तुम 9 बजे तक खाना खा के पढ़ने बैठ जाना, और 9 बजे से रात के 1 बजे तक, कब की बात है ये, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, जिस दिन रोज़ अगले दिन तुम्हें स्कूल जाना है उस समय की कह रही हूँ, तुम्हें रोज़ 9 बजे से 1 बजे तक रात के पढ़ना है। कितने घंटे मिल रहे तुम्हें? 4 घंटे पढ़ने के मिल रहे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। अगर ये 4 आवर आपने रेगुलर पढ़ाई कर ली, बीच में 15 मिनट ब्रेक ले सकते हो, कभी कुछ खाने जा रहे हो, पानी पीने जा रहे हो, वो ब्रेक में उसे कंसिडर कर लेना। अब ये मत चाहो कि तुम्हें हर 15 मिनट आधे घंटे का ब्रेक मिले। हाँ, सिलेबस कंप्लीट है तो लेते रहना ब्रेक। इफ़ योर सिलेबस इज़ नॉट कम्प्लीटेड, 1-1.5 घंटा पढ़ो, 5 मिनट वॉक कर लो बीच में, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ो, 5 मिनट पानी पी के आ जाओ। ये है इस समय पे तुम्हारे ब्रेक। 1-1.5 घंटा पढ़ा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अरे मूड ऑफ हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है यार नींद से आ रही है, 2-3 गाने सुन लिए अपने फेवरेट, दैट इज़ योर ब्रेक दिस टाइम। मैंने कल की वीडियो में भी आपको समझाया था कि म्यूजिक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एट दिस टाइम। नींद आती है, गाने सुनो, नींद भाग जाएगी। आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, बहुत बातें आती है दिमाग में, गाने चलाओ फेवरेट, बातें डिस्ट्रैक्ट हट जाएगी गाने से, एक म्यूजिक पे आपका फोकस जाएगा, फिर उससे आप अपनी स्टडी पे फोकस मेंटेन कर पाओगे। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 4 घंटे, 2 सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ सकते हो, 1 सब्जेक्ट 2 घंटे। सपोज करो पिछले 2 घंटे में आपने मैथ्स पढ़ी, अगले 2 घंटे में साइंस पढ़ी, पिछले 2 घंटे में आपने SST पढ़ी, अगले 2 घंटे में आपने इंग्लिश पढ़ी, ये 4 घंटे में करो। पूरा दिन आप पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए मुझे नहीं पता, तुम स्कूल गए थे, तुम ट्यूशन गए थे, तुम शाम को दोस्त के यहाँ चले गए थे, एनीथिंग, आई डोंट नो। ये 9 से 1 बजे तक आपको पढ़ना है, और अभी विंटर में ये चीज़ बहुत आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि अब स्कूल के टाइमिंग 8 बजे से हो चुके हैं। मैंने खुद देखा है अपने यहाँ पे बच्चों के, 8 बजे से स्कूल के टाइम है। तो अगर आप 1 बजे सो रहे हो, सुबह 7 बजे उठना, तुम्हें 6 घंटे की नींद मिल रही है। थोड़ा स्कूल में अगर आपका 8:20 का टाइम है तो 7:30 उठ जाना, एंड ये 1 महीना अगर आप रोज़ 4 घंटे इस रात को पढ़ लोगे ना, देन योर सिलेबस विल बी ऑन जुपिटर, ठीक है? नेक्स्ट, अभी सैटरडे की तो मैंने बात करी नहीं है, ये 4 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ आपके वीकडेज के हैं, ठीक है? प्लस जो सैटरडे स्टडी नाइट आएगी, उस दिन जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तुम तब तक पढ़ना, ठीक है? तुम 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, उस दिन जल्दी पढ़ने बैठना, क्योंकि सैटरडे को आप 8 बजे पढ़ने बैठ जाना, शाम को 7 बजे पढ़ने बैठ जाना, और जब तक आपसे पढ़ाई हो आप पढ़ना सैटरडे को, जितना वीकडेज में पढ़ोगे सब रिवाइज करना, टेस्ट लेना अपना, या फिर जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सैटरडे स्टडी नाइट तो एक अलग ही सीरीज़ है। मैं हर सैटरडे स्टडी नाइट को आके आपको टास्क दूंगी, आपको एम दूंगी कि आप पढ़ो, बट ये नाइट ऑल टॉक सेशन आई एम लॉन्चिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024, बिकॉज आई वॉन्ट कि सिर्फ सैटरडे को ही थोड़ी पढ़ना है, सिर्फ संडे को ही थोड़ी पढ़ना है, फिर संडे को सारा होमवर्क भी याद आ जाता है, सैटरडे को ऐसा लगता है आज प्रोजेक्ट बना ले। तो ये जो वीक डेज है ना, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, जो पता ही नहीं चलता एक स्टूडेंट को कहाँ निकल जाते हैं पूरा हफ्ता, तो उस हफ्ते को यूटिलाइज करने के लिए ऑल द नाइट आउल्स यू आर हैविंग मी एज योर एल्डर सिस्टर, नाइट ऑल आर्मी की लीडर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। ये नहीं है कि आज मैं आपको शेड्यूल बता के जा रही हूँ, नहीं, रोज अब आज से लेकर 30 दिसंबर तक का तो हमारा ये चैलेंज है, एवरी डे एट 9 PM आई विल आस्क यू नाइट ऑल्स पढ़ना शुरू कर दिया है या नहीं। या तो मैं वीडियो बनाऊंगी जैसे आज बना रही हूँ, पूछूंगी आपसे पढ़ाई शुरू हो गया या नहीं, क्या पढ़ रहे हो, मे बी आई विल कम लाइव, अगर लाइव आ जाऊँ तो हम सब साथ में पढ़ेंगे, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, जैसे कभी कोई चैप्टर पढ़ा दूंगी, कभी मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, मैं भी खुद भी गाइस 9 से 1 के समय में आज के समय पर खुद पढ़ती हूँ। सुबह जो है मैं वीडियो शूट करती हूँ, शाम को कोचिंग का टाइम हो गया, कोचिंग से आके 2-3 वीडियो शूट करती हूँ जैसे अभी कर रही हूँ, फिर बस इसके बाद डिनर करने के बाद 9 बजे के बाद 9 से 1, 2-3 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, ठीक है? तो उस समय आई हैव डिसाइडेड कि मैं लाइव आऊँ, किसी किसी दिन पे हम लाइव स्टडी सेशंस करेंगे, ठीक है? और साथी के साथ में अगर किसी दिन लाइव आने का या वीडियो बनाने का टाइम नहीं हुआ तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल के आपसे ज़रूर पूछूंगी कि नाइट वॉच पढ़ना शुरू कर दिया या नहीं और क्या पढ़ रहे हो, या फिर आई विल अपलोड अ यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है? शॉर्ट के थ्रू आपसे पूछ लूँगी। 30 डेज रेगुलरली मुझे चाहिए, मेरे भाई बहन रोज़ 4 घंटे पढ़ रहे हो इस नाइट स्टडी शेड्यूल में। किसी दिन तुम्हारे को फीवर हुआ बाई चांस तो तुम मुझे बताओगे दीदी आज फीवर है इसलिए नहीं पढ़े, किसी दिन तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना है तो तुम मुझे बताओगे दीदी आज हम नहीं पढ़ रहे वी हैव टू गो समवेयर, मे बी स्किप हो जाए तो मुझे रीजन बता देना दीदी आज सो एंड सो रीजन है दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग दिस, वैसे नहीं करेंगे, मुझे रीजन चाहिए जिस दिन नहीं पढ़ोगे। वरना नाइट आउल्स, एक चीज, इतनी सी चीज आपको पक्की करनी है, 9 से 1 मैंने रोज पढ़ना है और कुछ नहीं। जिस 9 से 1 के समय के सेशन में पढ़ रहे होगे, फोन साइड में रखाना अपना,
ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स लेके पढ़ने बैठना, डन। फ़ोन वाली जो पढ़ाई करनी होगी आपको, वो 9 से 10 में कर लेना, फिर 10 बजे फ़ोन अपना मम्मी पापा के रूम में रखाना या अपने कहीं ड्रॉअर में बंद कराना। उसके बाद आप बुक से पढ़ोगे अपनी, वीडियो लेक्चर देखने का समय पहले वाला रख लेना। अदरवाइज आपको पढ़ना है, प्रो बन जाओगे थोड़े दिनों के अंदर, फ़ोन आपके पास में पड़ा होगा, ना आप किसी सोशल मीडिया ऐप पे जाओगे, ना आप किसी दोस्त को मैसेज करोगे, ऐसे भी प्रो आप बन जाओगे। मैं तो हर समय अपने पास फ़ोन रखती थी बिकॉज मैं म्यूज़िक सुनती रहती थी, ठीक है। अभी तो मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि म्यूज़िक फ़ोन से सुनती हूँ। पहले मैंने एक छोटा सा अपने लिए MP3 प्लेयर ले रखा था, उसमें मैं उससे मैं अपने म्यूज़िक सुनती थी, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि फ़ोन आपके पास रखा है तो आप उसको डिस्ट्रैक्शन बनाओगे। अगर तुम अपने एम के लिए ज़्यादा सीरियस हो कि हाँ मुझे पढ़ के नंबर लाने हैं, मुझे 10वीं 12वीं में टॉपर बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो वो फ़ोन रखा होगा, वो सोशल मीडिया ऐप्स, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बॉयफ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होने चाहिए समय पे। फ़ोन तो रखना भी पड़ सकता है कि आपको यूट्यूब से लेक्चर देखना है तो उसे वहाँ रख के आओगे, अगर तो तुम्हारा नुकसान है ना। तो इसलिए तुम्हें खुद को स्ट्रांग करना है, वरना फिर और स्टडी टाइम निकालना कि रात को जब पढ़े हो तो फ़ोन पास में नहीं रखोगे, शाम को यूट्यूब से लेक्चर देखना, रात वाले स्टडी सेशन में NCERT बुक से पढ़ना। या तो अब खुद को इतना स्ट्रांग कर लो कि फ़ोन पास में पड़ा है, तुम्हें 6 मैसेज भी अगर बच जाए ना तो तुम उसका रिप्लाई ना करो, ना तुम्हें कोई फ़र्क पड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आज से 30 दिसंबर तक पक्की रखनी है। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर ऑल द नाइट आउल्स, ठीक है, दैट हमने रोज़ 4 आवर्स स्टडी करनी है। और सैटरडे का तो तुम्हें सीन पता ही है, सैटरडे नाइट को तो वी क्रिएट अ वीडियो एंड हम पूरी तबाही वाली पार्टी मोड में पढ़ाई करते हैं, जैसे लोग सैटरडे को सैटरडे नाइट पे पार्टी करते हैं, हम अपनी पढ़ाई पार्टी कर रहे होते हैं। तो सैटरडे नाइट तो चलती ही रहेगी, सैटरडे नाइट सीरीज़ तो लॉन्च ही थी मेरे चैनल पे इतने समय से, बट नाइट ऑल टॉक इज़ बैक अगेन। नाइट ऑल टॉक मैं हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर कंडक्ट करूँगी जैसा मेरा शेड्यूल रहा, वरना कम्युनिटी पे पूछूंगी, शॉर्ट पे पूछ सकती हूँ, नहीं तो तुम मुझे खुद कमेंट करके बताना, दीदी 9 बजे हम पढ़ने बैठे, ठीक है। तो इस नोट पे और आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सब हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी, अगर आप 10th में हो, 9th में हो, तो ये 9 से 12 में आपको क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्या सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरे क्या पढ़ो, ठीक है। नींद अगर आपको आने लगे शेड्यूल में तो उसका क्या आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो सब बातें हम आगे आने वाली नाइट ऑल टॉक में करते रहेंगे। अभी एक मिशन तो बनाओ, दिमाग में एम तो बनाओ, जाओ एक पेपर लेकर आओ, एक टाइम टेबल बनाओ अपना, 9 से 1 में आप रोज़ पढ़ोगे, लिख लो क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 9 से 1 के पीरियड में, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अपने घर में भी अब सबको बता दो कि मैं 9 बजे तक डिनर कर लूँगा, 9 से 1 मेरा पढ़ने का टाइम है, और एक पढ़ाई की जगह ढूंढो अपने लिए जहाँ पे आप रोज़ 9 से 1 बजे तक बैठ के पढ़ोगे। अब सर्दियाँ आ चुकी है, गर्मी नहीं है, तो तुम्हें एसी वाले रूम में लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। किचन के पास का कोना, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम का सोफ़ा, कहीं पे भी अपना इलाका घोषित करके नाइट स्टडी करना स्टार्ट कर दो। तो विद दिस आपकी नाइट ऑल आर्मी की लीडर वेट कर रही है आपके सभी कमेंट्स का, रिप्लाइज का, एक तो अटेंडेंस का, दूसरा कि आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो या नहीं, अगर आज से कर रहे हो तो लिख के बता दो, एंड कल हम आगे की बातों पर डिस्कशन करेंगे, जो जो चीज़ें हम कल या आने वाले नाइट ऑल टॉक सेशंस में। तो ऑल द नाइट ऑल्स बी रेडी बिकॉज वी आर गोना रॉक दिस बोर्ड एग्जाम। तो नाइट ऑल्स इस साल का टॉपर हमें ही बनना है, तो आज से अभी से नेक्स्ट 30 डेज के लिए वी विल स्टडी 4 आवर रेगुलरली, और सैटरडे नाइट को तो तबाही होने ही वाली है। तो मैं चलती हूँ, बाय-बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर ये मेरा चैलेंज अच्छा लगा है आपको तो जल्दी बता दो, दीदी चैलेंज एक्सेप्टेड, वी विल बी स्टार्टिंग। तो बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।